देख रहे हैं RPKP इंडिया न्यूज। कैंट की 2014-15 की मतदाता सूची के अनुसार वर्तमान कैंट बोर्ड पार्षदों एवं उनके समर्थकों के भी नाम वर्तमान कैंट मतदाता सूची से काटकर अयोग्य घोषित हों। दूसरा, जबलपुर कैंट बोर्ड का पक्षपातपूर्ण कार्रवाई के विरोध में घेराव और कैंट बोर्ड चुनाव रोकने ज्ञापन दिया जा रहा है। पहला विषय ये है, बाकी तो आप सब समझते हैं। वर्तमान जबलपुर कैंट बोर्ड का कार्यकाल 10 फरवरी 2020 को समाप्त होने जा रहा है, इसलिए जबलपुर कैंट बोर्ड को भंग किया जाए तथा इन्हें एक्सटेंशन न प्रदान किया जाए, अन्यथा इसका ये अन्याय, भ्रष्टाचारी और स्वार्थी पार्षद दुरुपयोग करेंगे। हमारी यह प्रमुख मांग स्वीकार की जाए। जिस प्रकार कैंट की 14 और 15 की मतदाता सूची अनुसार 24,000 मतदाताओं के नाम पक्षपातपूर्ण और द्वेषपूर्ण तरीके से काटे गए हैं, उन्हें ही अधिकार मानकर वर्तमान पार्षदों एवं उनके समर्थकों के भी नाम जो इन्हीं 24,000 मतदाताओं की श्रेणी में आते हैं, उन्हें भी नाम काटकर निष्पक्ष कार्रवाई करें। अन्यथा जिस प्रकार इनके एवं इनके समर्थकों के नाम जुड़े हैं, उसी प्रकार 24,000 मतदाताओं के नाम जोड़े जाएं। इसका आपको जानकारी होगी, कुछ लोगों ने अपना पता बदल लिया है, कोई कहीं पे किराएदारी शो कर रहा है, तो वो सबको ना माना जाए जो 2014-15 में मतदाता सूची थी। अभी क्या है, 2014-15 में जो यहाँ पार्षद चुन के गए हैं, उन्होंने अपने नामांकन पत्र में जो पता भरा हुआ है, उसी को मान्य किया जाए। आपके संज्ञान में होगा कि इन लोग, कुछ लोगों ने पते बदल दिए, तो हमारा कहना है उसको मान्य करके और उनको अयोग्य घोषित किया जाए, नहीं तो पूरे 24,000 के नाम जोड़े जाए, घोषित किया जाए सर। किस लोग रहते हैं, हम लोग के बचपना भी दिया सर। अरे बात करो यार, 24 क्वालीफाई किया जाए, 24,000 मतदाताओं का नाम कैंट बोर्ड की मतदाता सूची में जोड़ने का निर्णय नहीं हो जाता, तब तक इन 24,000 मतदाताओं पर अन्याय न कर कैंट बोर्ड के चुनाव सम्पन्न न कराए जाए। इन मतदाताओं में अनुसूचित जाति जनजाति के बहुसंख्यक में मतदाता है, इसलिए इनके साथ अन्याय न किया जाए। आश्चर्यजनक बात यह है, ये सभी लोकसभा विधानसभा में तो मतदाता हैं और हाल ही में लोकसभा चुनाव 2019 में, विधानसभा चुनाव 2018 में भी मतदान किया है, फिर कैंट के चुनाव में क्यों नहीं? यह विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश में मताधिकार छीन अन्याय है, अतः इन्हें भी मताधिकार दें, घर मकान जमीन का मालिकाना अधिकार दिया जाना हमारी मांग है। इसको लेकर के हम उनसे मांग कर रहे हैं कि देश के सभी छावनी में बिना इन लाखों मतदाताओं के नाम कैंट की मतदाता सूची में जोड़े बगैर चुनाव संपन्न कराना इन सभी के संवैधानिक मूलभूत अधिकारों का हनन होगा। इन सन 1924 कैंट एक्ट, वर्तमान में 2006 अंग्रेजों का काला कानून समाप्त करने, संविधान में अध्यादेश लाकर संशोधन करें, अतः उपरोक्त मांगों पर विचार कर शीघ्र न्यायोचित कार्रवाई की आशा के साथ। जब तक ये कार्रवाई पूर्ण नहीं होती, हम चुनाव जो है, और लोगों को भाई साहब एक चीज ये है, और नोटिस भेज भेज करके थोड़ा सा डराया जा रहा है, या तो आपकी कार्रवाई यार। ओके ओके, फोटो खींचने। अरे भैया, आज शाम को आप फोटो नहीं।